गाइज़ वेलकम बैक टू तरुण एक्वेटिक्स। तो गाइज़ आप आज की वीडियो होने वाली है गाइज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो गाइज़ आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो आप मेरे उस पर बने रहें। और गाइज़ प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, तभी आपको कोई भी चीज़ समझ आएगी। तो मैं आज बताने वाला हूँ गाइज़ कि अपने कम्युनिटी फिश टैंक का पानी कितने दिन में चेंज करना चाहिए, और क्या पानी चेंज करना सही है, या पूरा पानी चेंज करना चाहिए या आधा पानी चेंज करना चाहिए। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, कई लोग पूरा पानी चेंज कर देते हैं। तो गाइज होता उससे ये है, पूरा पानी चेंज करने से क्या होता है कि उनकी फिशेज मर जाती हैं या फिर उनको कुछ भी नहीं पता रहता। तो देखिए गाइज ये पहले तो आप देख सकते हैं गाइज, प्यारा प्यारा ये जो है मेरा कम्युनिटी फिश टैंक है, आप इसको देख सकते हैं गाइज। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि कम्युनिटी फिश टैंक का टैंक जो होता है उसका पानी कितने दिन में चेंज करना चाहिए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपको मेरे फिश से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो देख सकते हैं गाइज़ आप, इसमें मेरे पास शार्क है और गोल्ड फिश की वैरायटीज़ हैं। गाइज़ गोल्ड फिश में मेरे पास ये नॉर्मल गोल्ड फिश है और ओरिंडा गोल्ड फिश है गाइज़, ब्लैक मूर है, और इसके बाद में आप देख सकते हैं गाइज़ रेड कैप है। तो ये तो हो गई गोल्ड फिश की बारी। इसमें एंजल फिश भी है गाइज़, टेट्रा वेराइटी भी है और गोरामी भी है। तो गाइज़ ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरे कम्युनिटी टैंक में मैंने इस टाइप का मेरा कम्युनिटी टैंक बनाया हुआ है। ये देखिए गाइस आप, तो गाइस आप मेरे वाटर क्वालिटी भी गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है, काफ़ी अच्छी वाटर क्वालिटी है गाइस। तो हम हमारा बिना टाइम वेस्ट करें चीज़ों पे आते हैं गाइस कि पानी बदलना कितने दिन में चाहिए और क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग ये जानते हैं कि पानी बदलना ज़रूरी आखिर क्यों होता है। तो गाइस पानी बदलने का रीज़न ये होता है कि हम जो फूड डालते हैं और फिशेज जो बेस्ट करती हैं, तो गाइस उससे क्या होता है कि इसमें अमोनिया क्रिएट होती है। तो अमोनिया क्रिएट होने से क्या होता है गाइस, अमोनिया क्रिएट होने से ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, जिससे कि हमारी जो फिशेज होती हैं गाइस वो मरने लगती हैं अगर हम लोग पानी चेंज नहीं करेंगे तो। तो गाइज इसके लिए हमको पानी चेंज करना ज़रूरी होता है, पर एक बात और इसमें बहुत ज़रूरी होती है कि गाइज पानी चेंज करना जितना ज़रूरी होता है उतना हमको उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि किस तरह से पानी चेंज किया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है गाइज कि पानी चेंज करना है तो हमने उठाया साइपन 5 तो और पूरा का पूरा पानी लिया और उसको निकाल दिया और पूरा नया भर दिया, तो गाइज आपकी फिशेज पूरी मर जाएंगी। उसका मैं कारण बताता हूँ गाइज, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो पूरी देखें गाइस, स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि गाइस उसका कारण ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो फिल्टर के जो बेनिफिशियरी बैक्टीरिया होते हैं टैंक में वो एक कॉलोनी बना लेते हैं। तो गाइस इसमें हम क्या पूरा पानी जब चेंज करते हैं ना, तो पहली बात तो पीएच भी फ्लक्चुएट होता है, पानी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता है, और दूसरा जितने भी हमारे बेनिफिशियरी बैक्टीरिया होते हैं जो कॉलोनी बनाते हैं जब हम टैंक साफ करते हैं पूरा, तो गाइस वो भी चले जाते हैं, जो कि वो फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो गाइस इसी कारण, यही कारण होता है कि हमारी फिश मरने लगती है। तो इसलिए गाइस आप कभी भी पानी चेंज करें तो आधा पानी चेंज करें, पूरा कभी नहीं करें। और देखिए कितने दिन की बात करें तो गाइस दिन का तो ऐसा है कि आपका फिल्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जितना अच्छा आपका फिल्ट्रेशन है गाइज उतना अच्छा आप उतने दिनों में करें। और देख सकते हैं अगर जैसे आपने फूड अगर ऐसा दिया है या गंदगी हो रही है या आपकी फिशेज है कोई नीचे बैठ रही है गाइज, तो आप उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, दो दो तीन तीन दिन में भी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी नियम बना सकते हैं कि 20% पानी आप डेली चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गाइज इतना समय किसी के पास होता नहीं है कि वो अपने फिश टैंक को डेली 20% पानी जो है वो चेंज करेगा। तो गाइज ये रहता है कि 3 से 4 दिन में आप 30 से 40% पानी अपने टैंक का क्लीन मतलब चेंज करें, और गाइज उसके बाद उसमें नया पानी ऐड करें। उससे होगा ये कि उसमें क्या है गाइज, अमोनिया नहीं बनेगी और ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा। फिर आप 10 दिन या 15 दिन में और 10 दिन या 15 दिन में गाइज 70 से 80% पानी जो है अपने टैंक का चेंज कर दें। और गाइज आपका जो एक्वेरियम का जो फिल्टर होता है उसको क्या करेंगे गाइज आप लोग,
अगर उसको वॉश करना है वो तो करना ही पड़ता है क्योंकि गंदगी हो जाती है। तो गाइज़ उसको आप ना टैंक के पानी से ही क्लीन करें, ना कि ऐसा करें कि आपने कोई साफ पानी ले लिया उससे क्लीन कर दिया। उससे होता ही है गाइज़ टैंक के पानी से क्लीन करने में, क्योंकि उसमें जो बेनिफिशियली बैक्टीरिया रहते हैं गाइज़ वो मरते नहीं हैं। तो जैसे ही हम लोग फ़िल्टर ऑन करते हैं तो वो फ़िल्टर की सहायता से गाइज़ हमारी फिशेज़ के पास चले जाते हैं, तो जिससे कि गाइज उनकी मौत नहीं होती है। तो गाइज यही कुछ बातें थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि क्या कि हम लोग जो है पानी चेंज करते हैं और मर जाती है हमारी फिशेस काफ़ी, या दिक्कत हो रही है या ऐसा वैसा। तो गाइज ये सब चीज़ें हमारी गलतियों का नतीजा होती हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो मेरे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।